हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू नित्यावेज अकेडमी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द जनरल प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स व्हिच इज रिटन बाय द चोसर सो लेट्स स्टार्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हियर लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन ऑफ द चोफी चोसर प्रोलॉग सो लिसन केयरफुली तो जो हमारा जो जनरल प्रोलॉग है कैंटरबरी टेल्स का जो चोसर का प्रोलॉग शुरू होता है उसके अंदर जो फर्स्ट लाइन है वहाँ से शुरू होता है ये वन अप्रिल विद ही शोवर्स स्वीट विद फ्रूट ये फर्स्ट लाइन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है द ड ऑफ मार्च है टू द रूट इसमें जो चौसर है वो कहते हैं कि जो अप्रैल का जो महीना है ये काफ़ी खूबसूरत महीना है क्योंकि इस महीने में बारिश होती है शॉवर हो रही है और जो फ्रूट्स हैं मीठे मीठे फ्रूट्स भी आने लगे हैं मीठे मीठे फ्रूट्स भी आ, पैदा होने लगे हैं द डट ऑफ मार्च हैज प्यर्स रन टू द रूट एंड बार ईच विक्योर दैट हैज़ पावर टू जनरेट देर इन एंड साइड द फ्लोर अब ये जो लाइंस हैं इनमें चौसर सर बोलते हैं कि जो मार्च का जो महीना होता है मार्च का जो सूखापन है जो सूखा महीना है मार्च का वो सारा गुजर गया है और जो पेड़ है उनकी जड़ों के भीतर से वो गुज़र गया है पेयर्स्ड अन टू द रूट का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर से गुजर जाना तो मतलब जो जड़ें हैं पेड़ों की उनकी जड़ों के अंदर से ये गुज़र गया है और एंड बाद ई वेन विद लिक्यूड दैट हैज़ पावर और इसने हर पेड़ की जड़ के अंदर उसकी नस नस में शराब की तरह एक नशा भर दिया है और पावर दे दी है हर पेड़ को हर प्रकृति को पौधे को टू तो जनरेट देर इन ताकि वो कुछ उत्पन्न कर सके अपने कोई नई लाइफ जनरेट कर सकें एंड सैड द फ्लोअर और अपने किनारों पर फूल खिलवा खिला सकें नेक्स्ट इसके बाद बोलते हैं वैन चेफ़े ऑल्सो हैज़ विथ सीट ब्रीथ और कहते हैं कि जब जैफे होता है हल्की हवा का चलना तो जैफे जब हल्की हवा जब चलती है और तो ऐसे लगता है कि प्रकृति बड़ा ही नया एक मीठा सा एक अच्छा ताज़ा सांस ले रही हो क्यू कैन अगेन इन एवरी होल्ड एंड हीथ और इसी के साथ में मतलब जो ताज़ा सांस है वो सारी प्रकृति ले रही है उपवन होल्ट होते उपवन एंड हीट होता है जो ब्रिटेन है उसमें जो बंजर भूमि होती है अनफर्टाइल लैंड होती है ब्रिटेन में उसे हीत बोला गया है तो वहाँ हित बोला जाता है तो कहते हैं कि जो बाग बगीचे हैं उपवन हैं और जो बंजर भूमि है वो सब एक नया सांस लेने लगी है और इन सब के अंदर लाइफ रीजनरेट होने लगी है द टेंडर शूट्स एंड बर्ड्स एंड द यंग सन और कहते हैं कि जो आ, और ये जो मैदान है, उपवन है बंजर भूमि है अनफर्टाइल लैंड्स हैं हीत है इन सब के अंदर नरम नरम जो टहनियाँ हैं नई कलियाँ फूटने लगी हैं टहनियाँ फूटने लगी हैं और एक नया सूरज चमकने लगा है इन टू द राम वन हाफ इज कोर्स हैज़ रन एंड मैनी लिटल बर्ड्स मेक मेलोडी और काफ़ी जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं वो मेलोडी करने लगे हैं संगीत गाने लगे हैं वो बर्ड्स uh, हैं वो खुशी से गा रहे हैं जिससे मेलोडीज क्रिएट हो रही है दैट थ्रू ऑल द नाइट विद ओपन आई और जो ये जो बर्ड्स हैं छोटे छोटे ये अपनी आँखों को खुला रख के सो रहे हैं सो नेचर प्रेक्स दैम उन टू द रैम्प एंड रेज ताकि जो नेचर है वो उनके अंदर और भी उनको प्रेरित कर सके उनके अंदर और भी ज़्यादा उत्साह बढ़ सके देन टू फॉल लॉन्ग टू गो ऑन पिलग्रीमेज और जो प्रकृति के अंदर इस तरह ये चारों तरफ एक खुशी चाहिए एक बाहर चाहिए नया जीवन फूट रहा है फ्लावर्स आ नए नए फ्लावर्स आ, आ रहे हैं और फ्रूट्स आ रहे हैं मीठे मीठे फ्रूट्स लग गए हैं और मीठी मीठी हवा चलने लगी है तो ये जो सारा खुशी का जो माहौल है अप्रैल के मंथ में जो इतना अच्छा सुहाना मौसम है सब कुछ अच्छा है और इसी के अंदर जो बर्ड्स हैं वो भी काफ़ी चहचा रहे हैं खुश हैं इस माहौल के अंदर जो पिलग्रिम्स हैं जो लोग हैं देन डू फोल लोंग टू गो ऑन पिलग्रिमेज तो जो लोग हैं वो भी अब तीर्थ यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं या तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं क्योंकि तो जब मौसम अच्छा होगा तभी कोई बाहर यात्रा करने की सोचेगा और तीर्थ यात्रा भी तभी की जा सकती है अगर सूखा है या फिर बाढ़ जैसी स्थिति है तो ऐसे माहौल में ऐसे प्राकृतिक जो कंडीशंस होती हैं जो अपोजिट कंडीशंस होती है उसमें यात्राएं नहीं करी जाती थी बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ फोर्टीन सेंचुरी मिडल एज तो मिडल uh, एजेस का ये टाइम है फोर्टीन सेंचुरी का और उस समय जो सवारियां होती थी वो घोड़े पर होती थी यात्राएं होती थी वो जानवरों के ऊपर की जाती थी इस तरह के कोई व्हीकल्स नहीं होते थे तो इसलिए जो यात्राएं होती थी वो एक अच्छे मौसम में शुरू की जाती थी और जो चोसर है उन्होंने अप्रैल के मंथ को हाईलाइट किया है कि ये कितना अच्छा मौसम है और इस मौसम में अब लोग पिलग्री में तीर्थ यात्राओं पर जा रहे हैं एंड पालमर्स टू गो सीकिंग आउट स्टेन स्ट्रैंड्स और जो इन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है पालमर्स पालमर्स क्या होता है एक ऐसा पिलग्रिम होता है मतलब ऐसा तीर्थयात्री जो तीर्थ यात्रा से जब लौट कर के आता है तो अपनी यात्रा पूरी होने के सिंबल में कि वो तीर्थ यात्रा कर आया है इस सिंबल में वो अपने साथ पॉल लीफ लेके आता है और इसी को यहाँ पे उन्हें को यहाँ पर पा पालमर्स बोला है जो तीर्थ यात्रा से वापस आते हुए अपने साथ पॉल लीफ लेके आते हैं तो इन्होंने बोला है चौसर ने एंड पालमर्स टू गो सीकिंग आउट स्टैंड और जो ये पालमर्स हैं ये भी अलग अलग आ, के, देश के किनारों पर जाकर के तीर्थ यात्राओं पर जाकर के आ रहे हैं टू तो डिस्टेंट शाइंस वेल नोन इन सन राय लैंडस और डिस्टेंट शायंस मतलब डिस्टेंट तो दूर की दूर दूर के तीर्थ स्थानों पर जा रहे हैं जो जो कि बहुत अच्छी तरह लोग जिनको जानते हैं सन राय लैंड्स होता है सनराइ का मतलब होता है विविध ये अलग अलग, अलग प्रकार के तो ये जो पालमर्स हैं ये दूर तीर्थस्थानों पर जाकर के अलग अलग लैंड्स पे जा कर के आ रहे हैं जा रहे हैं तीर्थ यात्राओं पर एंड स्पेशली फ्रॉम एवरी शाइंस एंड और आ, जो शायर्स एंड और आ, ये कहते हैं और स्पेशली जो लोग हैं ज़्यादातर कहाँ जा रहे हैं ऑफ इंग्लैंड दे टू कैंटब्री वैंड और कहाँ जा रहे हैं वो इंग्लैंड से कैंटब्री की तरफ जा रहे हैं कैंटब्री की तरह प्लेस की तरफ जा रहे हैं द होली ब्लेस मार्टेयर देर टू सी जो वहाँ पर जो सेंट थॉमस बैकेट की जो दरगाह है या जो उसका मार्टेयर है जो उनका जो तीर्थ स्थान है सेंट थॉमस बेकेट का वहाँ ये लोग जा रहे हैं और होली uh, uh, तो ब्लैस वो एक पवित्र स्थान है सेंट थॉमस बैकेट का uh, जो मार्टेर है वहाँ वो लोग ब्लेसिंग्स लेने जा रहे हैं जो ब्लेसिंग्स उन्हें हेल्प करेगी हेल्प देम व्हेन दे ले सो इल एंड वीक वो इसलिए जा रहे हैं उस जगह पर जाकर के गोड की होली प्लेस की ब्लेसिंग्स लेने ताकि जब वो बीमार हो या कमजोर हो तो उन्हें वो मदद कर सके वो ब्लेसिंग्स उनके काम आ सके अब नेक्स्ट इसके बाद में जो चोसर हैं वो बोलते हैं जो नरेटर बोल रहे हैं बिफोर दैट इन दैट सीज़न ओन ए डे इन साउथ रैक एट द दबाड एज ले और कहते हैं कि इस सीज़न के अंदर एक दिन मैं भी साउथ रैक के अंदर टबाड इन में मैं रुका हूँ रेडी टू स्टार्ट अपॉन माई पिलग्रमेज और मैं भी अपने तीर्थ यात्रा शुरू करने के लिए रेडी हूँ टू कैंटबरी कहाँ के जा रहे हैं ये तीर्थ यात्रा के लिए कैंटबरी जा रहे हैं फुल ऑफ डिवोट होमेज जहाँ के लिए मतलब कैंटबरी जा रहे हैं और मन के अंदर और जो प्लेस है वहाँ पे क्या है पूरी तरह से मेरे अंदर धार्मिक श्रद्धा है देर कम एट नाइट फॉल टू डेट हॉस्टेलरी और इसीलिए जाते हुए एक साँझ को एक शाम को हम मैं एक सराय में रुका हूँ और वहाँ पर कुछ और लोग भी रुके हुए हैं सम नाइन एंड ट्वेंटी नाइन इन ए कंपनी मैं हमारी जो कंपनी है उसमें ट्वेंटी नाइन पीपल और हैं प्लस वन ये नरेटर खुद है जो बोल रहे हैं तो यहाँ पर टोटल थर्टी परसेंट हो गए Of sundry persons who had chance to fall in fellowship and pilgrims were they all that toward Canterbury town would ride. और कहते हैं कि जो ये पर्सनस हैं ये अलग अलग जगहों से आए हैं अलग अलग कैटेगरी अलग अलग क्लासेस के पीपल हैं सन राय मतलब विविध अलग अलग प्रकार के लोग हैं विविध प्रकार के लोग हैं हु हैर चांस टू फॉल इन फेलोशिप जिन्हें मौका मिला है हम सबको एक साथ कहीं जाने का एक साथ रहने का सफ़र करने का एंड पिलग्रीम्स दे और वर दे ओल और ये सारे लोग ही तीर्थयात्री हैं डेट टुवार्ड कैंटरबरी टाउन वुड राइड और ये सब लोग भी सवारी कर रहे हैं कैंटबरी टाउन की तरफ द रूम्स एंड स्टेबल्स स्पेसियस व एंड वाइड और जो रूम्स जहाँ तबाड इन में जहाँ रुके हैं वहाँ पर कि ये बात कर रहे हैं कि वहाँ के जो रूम्स हैं और स्टेबल्स क्योंकि ये फोरटीन सेंचुरी का टाइम है और उस समय ज़्यादातर जो लोग थे यात्राओं के लिए घोड़े का सहारा लेते थे यूरोप के अंदर वेस्टर्न यूरोप में तो ये बात करते हैं कि जो उनके ये लोग सब घोड़ों पर सवार होकर के जा रहे हैं घोड़ों की सवारी ये लोग कर रहे हैं तो ये बोलते हैं कि जो हमारे टबाड इनके अंदर हमारे रुकने के जो रूम हैं कमरे हैं और टेबल्स जो हैं अस्तबल जहाँ पे घोड़ों को रोका गया है स्पेसियस uh, ये सभी स्पेसियस है काफ़ी खुले खुले हैं और चौड़े हैं एंड वेल ईस्ट एंड ऑफ द बेस्ट एंड ब्रीफली वेन द सन हैड कॉन टू रेस्ट अब जो नरेटर है वो कहते हैं कि अब हम टबाड इनमें रुके हैं और वहाँ पर हम सब लोग अब रिलैक्स हो गए हैं और तभी जो सूरज है वो जा रहा है सूरज भी रेस्ट करने जा रहा है सो आई हैड स्पोकन विद देम एवरी वन और मैंने उन सब से बात करी जो ट्वेंटी नाइन पिलग्रम्स हैं उन सब से बात करी दैट आई वॉज ऑफ देयर फिलोशिप एंड जो कि अभी अभी मेरे फिलोशिप बने हैं मेरे साथ के सहयात्री बने हैं एंड मेड एग्रीमेंट्स दैट वी हैड अर्ली राइज टू टेक द रोड एज यू आई विल अप्राइज़ और हम सब ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग जल्दी उठ करके अपनी यात्रा शुरू करेंगे टू टेक द रोड की यात्रा शुरू करेंगे एज यू आई विल अप्राइज़ और ये लोग आ, मुझे भी इसकी सूचना देंगे और हम सब लोग इकट्ठे अपनी सुबह जल्दी यात्रा शुरू करेंगे बट नन द लेस वेस आई हैव टाइम एंड स्पेस बिफोर यर फादर इन दिस टेल आई पेस इट्सम्स टो मी अकॉर्डेंट विद रीज़न टू इंफॉर्म यू द स्टेट ऑफ एवरी वन अभी कहते हैं जब हम यात्रा शुरू करेंगे तो हमारे पास टाइम भी होगा बिफोर येट फॉर द इन दिस टेल आई पेस जो ये टेल्स जो ये कहानियाँ सुनाने का जो सिलसिला हम शुरू करेंगे ये स्टोरी शुरू करेंगे टेल सुनाने की इससे पहले इट्सम्स टो मी अकोर्डेंट विद रीज़न मुझे ये सही लगता है रिजनेबल लगता है to inform you of the state of everyone कि मैं आप सब को इन सब के से परिचित करवाऊँ of all of these as it एपियर to me जैसा कि मुझे इनके बारे में जैसा मैं इनके बारे में जान पाया हूँ जैसा मुझे पता लगा है वैसा मैं आप लोगों को भी इन लोगों के बारे में परिचित कराऊँ and whom they were and what was their degree who they were ये लोग कौन हैं और इनका क्या सोशल क्लास है क्या इनकी क्वालिटीज़ हैं एंड एवन हाउ अड देर एट द इन और कैसे इनके अंदर भी ये श्रेणीबद्ध कि इनका सोशल क्लास के अकॉर्डिंग क्या इनकी श्रेणियां हैं एंड विद इन नाइट थर्स विल आई फर्स्ट वीडन और ये इसलिए कहते हैं कि इसलिए मैं सबसे पहले नाइट से शुरू करूँगा सबसे पहले मैं शुरू करूँगा अपने इंट्रोडक्शन करवाना नाइट से क्योंकि जो नाइट है वो सोशल क्लास में सबसे ऊपर हैं ये नोबेलिटी क्लास से बिलोंग करते हैं और आ, ये एक तरह से सैनिक हैं तो इनके अब नाइट की स्टोरी शुरू होती है ए नाइट दे वॉज एंड ही ए व मैन फ्राम होम फ्राम द मोमेंट दैट ही फर्स्ट बिगिन टू राइड अबाउट द वर्ल्ड लव च्वेलरी शिवलरी अब ये नाइट के बारे में बता रहे हैं और मैंने आपको पहले के वीडियोस में जब हमने चौसर का वीडियो डिस्कस किया था चौसर के बारे में एज ऑफ चौसर का जो वीडियो है उसके अंदर हमने अच्छे से सारे जो चौसर के टाइम के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे उनको डिस्कस किया था और उन इवेंट्स के अंदर दो इवेंट्स आते हैं और वो जो दो इवेंट्स थे उनमें एक था हंड्रेड ईयर वोर और सेकेंड था द क्रूसेड्स जो क्रूसेड्स हैं जो जिस एक तरह का धार्मिक वॉर की सीरीज़ थी तो ये जो दो इवेंट है उसे इन दोनों इवेंट से ये जो नाइट है ये रिलेटेड है और जो कुछर हैं वो इन्हीं दो इवेंट्स के अंदर जो वार्स होते हैं उनके अंदर ये नाइट हिस्सा लेते हैं और उसके यहाँ पर डिस्कस होगा तो अगर आपने एज ऑफ चोसर की वीडियो देखी है तो आपको ये नाइट की स्टोरी समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा इन नाइट देअर वॉज़ एंड ही ए वर्दी मैन हो फ्रॉम द मोमेंट दैट ही फर्स्ट बिगेन कहते हैं जो चोसरा है वो बोल रहे हैं कि जो ये नाइट है ये बड़े ही योग्य व्यक्ति हैं और उस क्षण से जब इन्होंने सबसे पहली बार वर्ड को राइड करना शुरू किया राइड मतलब कि ये घोड़े पर सवारी करके इन्होंने जब वर्ड की वर्ड में जाना शुरू किया यात्राएं करनी शुरू की युद्ध में पार्टिसिपेट करना शुरू किया लव शिवेलरी तभी से ये शौर्य से बहादुरी से सूर्वीरता से काफ़ी प्यार करते हैं ट्रूथ होना फ्रीडम एंड ऑल कोल्टसी और कहते हैं कि इनके जो नेक्स्ट जो उनकी क्वालिटीज़ है उसके बारे में बताया कि उन्हें सच पसंद है ऑनर पसंद है फ्रीडम पसंद है एंड ऑल कोल्टसी और मतलब कि शिष्टता विनम्रता ये सब इनकी क्वालिटीज़ हैं फुल वर्दी वाज ही इन हीज लैंड लोड्स वॉर और ये कहते हैं कि ये जो दास और सेवकों का जो ये वॉर है जो क्रूसेड्स का जो वॉर है उसकी बात हो रही है तो ये कहते हैं कि इस वॉर के अंदर जो ये नाइट है ये काफ़ी योग्य हैं ये पूरी तरह से योग्य हैं इस वॉर में एंड देर हैड ही रेडन नन मोर फार एज वेल इन डोम एज हेथनेस एंड देर इन ही रीडन नन मोर फार एज वेल इन डोम एज हेतनेस तो ये जो लाइन है इसमें चौसर कहते हैं कि जहाँ पर भी ये रेडन का मतलब है कि ये इन्होंने घोड़े से सवारी करी है उसके बारे में बोला है कि जहाँ पर भी ये अपने घोड़े पर सवार होकर के जिन भी क्रिश्चन डोम मतलब ईसाई देश जिन जिन ईसाई देशों में या जो सब ईसाई देशों की इन्होंने यात्रा की है और वहाँ पर ये पराधर्मवलंबी होते हुए भी मतलब कि जो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनमें कोई और रिलीजन को फॉलो किया जाता है दूसरे रिलीजन के होते हुए भी ये क्रिश्चियन होते हुए भी वहाँ पर तो दूसरे धर्म के हो गए परालंबी होते हुए पराधर्मावालंबी प्रा, होते हुए भी मतलब कि दूसरे धर्म से बिलोंग करते हुए भी एंड होनर्ड एवरीवेयर फॉर वर्थी जो इनकी काबिलियत है इसके कारण हर जगह इनका सम्मान किया गया हर जगह इनको इज़्ज़त दी गई सम्मान दिया गया ऑनर दिया गया एट एलेक्जेंडे ही वेन ही इट वॉज वॉन और ये कहते हैं ये अलेक्जेंडरिया प्लेस है इसके बारे में बताया कि जब एलेक्ज़ेंडरिया को जीत लिया गया उस समय फुल ऑफ द टेबल्स ही बीगन अबो ऑल नेशंस नाइट्स इन प्रसिया तो ये कहते हैं कि वहाँ पर हर जगह जहाँ पर भी मतलब टेबल रूस्ट का मतलब है ए लिस्ट ऑफ नेम्स कि जहाँ पर भी जो लोगों की इंपॉर्टेंस के आधार पर जहाँ पे भी लिस्ट बनी उनके अंदर इनका नाम हमेशा बार बार ऊपर था अबो ऑल नेशंस और सबसे ऊपर सब नेशंस में इनका नाम इनकी बहादुरी इन्होंने अपने देश का नाम भी ऊपर रखा और अपना नाम भी ऑनर से रखवाया नाइट्स इन प्रसिया अब कहते हैं प्रसिया के जो नाइट्स हैं वहाँ पर भी इनका आ, इनका इनका जो प्लेस था वो ऑनर वाला था सबसे आगे था इन लातविया रेडिड ही एंड रशिया इन्होंने लातविया लात्विय, की भी आ, यात्रा की और रशिया की भी नो क्रिश्चियन मैन ऑफ ऑफ ऑफिस डिग्री और कोई भी क्रिश्चियन व्यक्ति इनके इनके जितना बार बार उसको सम्मान या डिग्री स्टेटस नहीं मिला जितना इन्हें मिला इंफा ग्रेनाडा एट स्टेज वाज ही और कहते हैं कि जब इन्होंने ग्रेनेडा की जो एक ग्रैनाडा एक सिटी है साउथ ईस्ट स्पेन के अंदर एक सिटी है ग्रेनेडा और कहते हैं कि जब इन्होंने जो हंड्रेड ईयर वॉर सो क्रूसेड का जो वॉर है क्रूसेट के वॉर में जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो ग्रेनेडा जो स्पेन का एक सिटी है उसकी जब इन्होंने घेराबंदी की थी ऑफ एल्गी एंड इन बेलमेरियाज और ये भी दोनों जगहों के नाम हैं एट अयास ही एंड एट सेटाले और अयास ऑस्ट्रेलिया में भी ये थे वो ग्रेनेडा में भी ये थे व्हेन दे वर वोन और जब ये सब जगह जीत गए एंड ऑन द मिडल सी और मिडल सी में भी ये जीत गए एट मैनी ये नोबल मीटिंग्स चांस टू बी ऑफ मोर्टल बैटल्स ही एट फाउट फिफ्टीन और कहते हैं कि आ, कुछ एक नावल्स होते हैं जिनको ये चांस मिलता है कि वो ये जो मोटल बैटल्स थी इनको इनके अंदर इन्होंने ये लड़ी और ये जीती और इनमें इन्होंने लगभग पंद्रह युद्ध लड़े और जीते एंड ही हैड फोर्ट फॉर आवर फेथ है ट्रेमिसनि ये ट्रेमिसनिंग ये भी प्लेस का नाम है और कहते हैं कि इन्होंने अपने फेथ के लिए क्योंकि क्रूसर्ट्स जो वॉर था वो इट वॉज़ ए वॉर सीरीज ऑफ रिलीजियस वॉर तो जो कि पोप ने शुरू करवाया था तो ये कहते हैं कि जो इन्होंने आ, हमारे फेथ के लिए हमारे रिलीजन के लिए हमारे धर्म के लिए ट्रांस ने में भी इन्होंने युद्ध लड़ा थ्री टाइम्स इन लिस्ट एंड इस टाइम्स टेन हिज फॉय इन्होंने अपनी मतलब जितने आ, जो इनकी लिस्ट थी जिनसे जितना इनसे अनुमान लगाया गया उससे भी तीन गुना जा करके इन्होंने अपने शत्रुओं को तीन गुना ज़्यादा शत्रुओं को इन्होंने मारा दिस सेल्फ सेम वर्दी नाइट है हैड बीन ऑल्सो एट वन टाइम विद द लोड ऑफ पलेटे तो यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया सेल्फ सेम वर्दी नाइट सेल्फ सेम वर्दी नाइट का मतलब हुआ कि जो अपनी पहचान जिसकी खुद ही हो मतलब जिसे अपना परिचय देने की जरूरत ना पड़े तो ये जो योग्य जो नाइट हैं इन्होंने एक टाइम में जो पैलेटे हैं वहाँ पर भी ये गए वहाँ पर भी युद्ध किया अगेंस्ट अनद इन तुर्की और तुर्की के अंदर भी इन्होंने दूसरे जो ध्रवावालंबी थे उनके ख़िलाफ़ भी इन्होंने वॉर किया एंड ऑलवेज वॉन और ये हमेशा इन्होंने जीत हासिल की ही सोवेरियन फेम फॉर प्राइज़ और इन्होंने अपने सोवेरनटी को बनाए रखा और प्राइज़ जो सोवेरियन फेम था ये इनका प्राइज़ था इनको प्राइज़ के तौर पर इनको सोवेरियन फेम मिला थ्रो तो नो सो सोलोस्टियस ही वाज वेरी वाइस और इतने शानदार इनका व्यक्तित्व तो होते हुए इनकी पर्सनैलिटी होते हुए भी ये काफ़ी वाइस हैं बहादुर हैं और समझदार भी हैं एंड बोर हिमसेल्फ एज नीटली एज ए मेड और ये अपने आप को इतना विनर्म्र रखते हैं जैसे कि कोई एक नौकर अपने नौकर में जो विनम्रता होती है उस तरह से ये अपने इनका जो स्वभाव है वो विनर्म है नर्म है ही नेवर येट हैड एनी विलिंगनेस सेड और इन्होंने कभी भी आज तक कोई घृणित व शब्द या कोई घृणित व्यवहार किसी से नहीं कहा नहीं किया इन ऑल हीज लाइफ टू वॉट सो एवर वेट ही वॉज़ ए ट्रूली परफेक्ट जेंटल नाइट और अपनी इस लाइफ के अंदर ये जो भी व्यक्त का मतलब जो भी एक मापदंड होते हैं एक जो आदर्श जो नाइट के जो मापदंड होते हैं ही वॉज़ इट ट्रूली परफेक्ट जो ये नाइट है ये पूरी तरह से परफेक्ट हैं उस रोल के अंदर जेंटल नाइट ये जो नाइट हैं ये काफ़ी जेंटल विनर्म अच्छे नाइट हैं बट नाउ टू टेल यू ऑल ऑफ हिज अरे और अभी ये जो चौसर हैं वो बोलते हैं नरेटर बोल रहे हैं कि अब मैं आपको इनकी जो वेशभूषा है जो इन्होंने युद्ध सज्जा जो धारण कर रखी है मतलब जिस तरह के कपड़े इन्होंने पहने हैं वो उनके बारे में आपको मैं बताता हूँ ही स्टीट्स वर गुड इनके ही स्टीट्स वर गुड मतलब जो नाइट है उनके जो स्टीट्स होता है युद्ध के घोड़े युद्ध के समय जो लड़ाई के जो घोड़े होते हैं उनके बारे में बात की है कि इनके जो लड़ाई के घोड़े हैं बड़े अच्छे थे बट येट ही वॉज नोट ये लेकिन फिर भी ये ये नहीं है और सिंपल फ्रिस्टर्न वोपन इन्होंने सिंपल ए जो सिंपल कपड़े पहने एक कोट पहना हुआ है जो मिडल एजेस में जूफन एक कोट होता था जो मिडल एजेस में पहना जाता था ये स्लीवलेस होता था और ये घुटनों तक का लंबा कोट होता था तो इन्होंने सिंपली एक जूफन पहना हुआ है सैडली डिस्कलर्ड बाय हिज हेबरग्यून एबरग्यून होता है डिस्कलर्ड हिज हैबरग्यून हेबरग्यून होता है एक हल्का कोट होता है जो नीचे पहना जाता है और ये एक लाइट स्लीवलेस कोट होता है जिसके चेन होती है हेबरगून फॉर ही हैज़ लेटली केम फ्रॉम हीज़ बोएज एंड नाव वॉज गोइंग ऑन हीज़ पिलग्रेमेज ये अपनी यात्राओं से काफ़ी टाइम बाद आए हैं और उसके बाद में ये अब तीर्थ यात्रा पर आ गए हैं तीर्थ यात्रा पर निकल गए हैं When विद uh, हीम there वॉज हिज सन ए यूथफुल स्केयर और कहते हैं इनके साथ इनका एक बेटा भी है इन, ये अपने बेटे के साथ हैं जो कि एक बड़ा ही यूथफुल मतलब एक जवान स्केयर है स्केयर जमींदार को भी बोला जाता है तो ये एक स्क्र है उनका जो बेटा है लवर एंड ए लस्टी बैचलर ये जो स्केयर है जो सन है नाइट का ये मतलब प्यार करने वाला है एक यंग बॉय है एंड लस्टी बैचलर लस्टी बैचलर होता है मतलब कि पूरी तरह से नौजवान जो खून होता है रेड ब्लडेड पर्सन होता है मतलब कि इनके चेहरे पे जवानी दमक रही है ये इस तरह के ये एक बैचलर कुरे हैं विद लोक्स वेल कर्ड इनके लोक्स वेलकर्ड मतलब कि जो इनके बाल हैं ये काफ़ी आ, आ, अच्छे से कल किए हुए हैं एज इफ़ हैड लेड इन प्रेस ऐसे लगता है इनके बालों को प्रेस किया हो समवेंटी ईयर्स ऑफ एज ही वॉज एज आई गेस और कहते हैं जैसा मेरा है ये शायद बीस एक साल का नौजवान है इन स्टैट्यू ही वॉज ओन दी एवरेज लेंथ और लंबाई में जो स्ट्रक्चर है उसका जो कद काठी है उसके अंदर ये एवरेज लेंथ के हैं एवरेज लेंथ का ये बच्चा है वी वर्सली एक्टिव एंड क्रिएट ऑफ स्ट्रेंथ और ये काफ़ी एक्टिव मतलब काफ़ी एक्टिव व्यक्ति है और उसके अंदर काफ़ी पावर भी है ही है समटाइम विद कैलरी और इसने कई बार जो गुड़सवार सेना होती है उसके साथ इसने यात्राएं भी की हैं इन फ्लैंडर्स इन एंड पिकाड्री एंड बोर्न हिम विद इन दैट लिटिल स्पेस और ये जो फलेंडर्स आर्टेस एंड पिकाड्री ये प्लेस हैं ये प्रोमिनेंस होता था एक फॉर्मर प्रोमिनेंस था फ्रांस का जो कि इंग्लिश चैनल के पास है और जो ये आर्टेस प्लेस है ये फ्लैंडर और पिकड्री के बीच की जगह है तो ये कहते हैं कि इन्होंने इन जगहों की गुड़ से हर सेना के साथ यात्राएं भी की है इस स्क्र uh, ने एंड बोर्न हिम वेल विद इन दैट लिटल स्पेस और इन्हीं जगहों के ऊपर घूमते हुए ये बड़ा हुआ है इन होप टू विन देयर बाय हिज लेडीज ग्रेस और ये जो बॉय uh, है स्क्वेयर जो है ये जो लेडीज़ हैं उनकी अट्रैक्शन पाना चाहता है प्रिंट आउट ही वॉज एज ही ए मेड और वो साथ सवर करके बना ठना रहता है जैसे कि कोई जो एक सजा सरा खूबसूरत जो एक घास का मैदान होता है उसे हम मान सकते हैं ऑल फुल ऑफ फ्रेश एज़ इन द मंथ ऑफ मई जैसे कि ये जो मीड होता है वो मंथ मई के मंथ में जैसे फ्रेश रहता है उस तरह ये भी बना ठहना हर समय इसके अंदर भी एक फ्रेशनेस रहती है शॉर्ट फॉर शॉर्ट वॉज हिज गाउन विथ स्लीव लॉन्ग एंड वाइट और अब उसकी ड्रेसिंग सेंस के बारे में चौसर बता रहे हैं कि इसका जो काउन है वो छोटा है लेकिन उसकी जो स्लीव्स है वो लंबी है और चौड़ी हैं वेल कुड बी सिट ऑन हॉर्स एंड फेयरली राइड और ये काफ़ी अच्छे से घोड़े पर बैठ के राइड कर लेता है ही कुड मेक सॉन्ग्स एंड वर्ड्स देयर टू इंडाइड और ये अपने आप ही सॉन्ग्स लिखता है अपने आप ही सॉन्ग्स गाता है और लिखता भी है जोस्ट एंड डांस टू और जोस्ट होता है जो खेल होता है खेल के अंदर जो खतरे लिए जाते हैं द्वंद्व किया जाता है खेल खेल के अंदर जो घुड़सवार लोग होते हैं वो द्वंद्व युद्ध करते हैं उस तरह से मतलब कि एक तरह का जो ये नकली युद्ध की तरह होता है तो ये जोश भी करता है और डांस भी करता है एज वेल एज स्केच एंड राइट और इसी तरह ये नक्शे भी बना सकता है बनाता है और लिखता भी है सो वोट ही लव दैट वेल नाइट टोल्ड हर टेल ही स्लैप नो मोर दैन डज इइट एगल और ये इतना ज़्यादा एक्टिव है इतना ज़्यादा हर वक्त एक्टिव रहता है कि ये रात को नाइट एंगल के जितना ही सोता है कोर्टीज़ ही एंड हम्बल लेकिन ये अब उसके बिहेवियर की बात चोस कर रहे हैं कि वो काफ़ी विनर्म स्वभाव का है और हम्बल है विनयपूर्ण है विलिंग एंड एबल इच्छा शक्ति रखने वाला व्यक्ति है और एबल है योग्य है एंड काउड बिफोर हिज फादर एट द टेबल और अपने फादर के पीछे के टेबल पे वो बैठा है अब इसके बाद में बात होती है एक योमेन की ए यूमेन हैड ही नोर मोर सर्वेंट्स नो एट दैट टाइम फॉर ही चूज टू ट्रेवल्स सो अब कहते हैं कि ए, अब ये जो इन है जिसके अंदर व्यक्ति रुके हों उसमें नाइट की बात उसने कर ली उसके स्क्वायर की बात स्क्वायर की बात कर ली जो कि नाइट का बेटा है इन दो व्यक्तियों के बाद जो तीसरा व्यक्ति है वो एक योमैन है एक साधारण व्यक्ति एक कॉमन मैन है एक फार्मर है फार्मर है किसान है और ये अपने युमैन होता है जो अपनी स्वेच्छा से अपने काम खुद करता है तो इस तरह का ये व्यक्ति इसके साथ कोई सर्वेंट नहीं है एट दैट टाइम फॉर ही चूज़ टू ट्रैवल्स हो और शायद इसने बिना किसी के साथ कोई सर्वेंट साथ लिए ही ट्रैवल करने का डिसाइड किया है एंड ही वॉज़ क्लैड इन कोट एंड हुड ऑफ ग्रीन इसने जो ये कोट से ढका हुआ है इसने कपड़े पहने हुए हैं उसके बारे में बता रहा है कि ये इसने अपने आप को कोट से ढक रखा है और इसने हुड होता है कंटोप कान पर पहना जाने वाला जो टोक होता है उसको हुड बोला जाता है और इसने ग्रीन कलर का हुड पहन रखा है कंटोप पहन रखा है ए शेल्फ ऑफ पीको कैरोज ब्राइट एंड कीन उसने अपने साथ एरोज़ का गट्ठा साथ लिया हुआ है और ये काफ़ी उत्साही नज़र आ रहा है अंडर हीज़ बेल्ट ही वो राइट केयरफुली और ये ये जो तीर का गट्ठा है इसने अपने बेल्ट के अंदर नीचे अपने बेल्ट के अंदर केयरफुली रखा हुआ है पहन रखा है वेल कुड ही कीप हिज टैकल यो मैनली हिज हैड नो ड्रेंगल फिदर्स लो मतलब कि उसने अपना जो सामान है उसको काफ़ी अच्छे से रख रखा है मैनेज कर रखा है संभाल रखा है और जो उसकी एरोज़ हैं वो भी नीचे की तरफ नहीं गिर रही है या नीचे की तरफ नहीं झुकी हैं एंड ही नीज हैंड ही वो ए माइटी बो और उसने अपने हाथ के अंदर एक बड़ा ही ताकतवर या एक बड़ा बड़ा सा धनुष ले रखा है ट्रो, ट्रोप्ड ट्रोप्ड हैड, हैड ए प्रो प्रोप्ड हीड प्रोप्ड हैड हेड ही एंड ए सन ब्राउन फेस और ई इसके सिर के बारे में बताया और उसके फेस के बारे में बताया कि उसका जो फेस है वो सन ब्राउन मतलब थोड़ा काले रंग का उसका चेहरा है जैसे कि धूप से सन uh, ब्राउन होता है कि धूप से जला हुआ जो स्किन होती है सन ब्राउन उसका फेस है वो वुड क्राफ्ट न्यू ही ऑल द यूजफुल वेज अपॉन हिज आर्म ही बोर ए ब्रेसर गे एंड एट वन साइड इज वोड एंड बकलर ये एंड एट द अदर साइड एज डेगर ब्राइट अब उसकी बताया कि उसने एक जगह अपनी जो एक भुजा है उसके अंदर उसने एक ब्रेसर पहना हुआ है एक आर्म पे और दूसरी साइड उसने स्वॉर्ड एक तलवार ली हुई है और एक बकलर लिया हुआ है और एट व, अदर साइड और जो दूसरी तरफ है उसने एक डैगर डैगर होता है छुरा या छुरी होती है एक चमकती हुई उसने छुरी भी ले रखी है वेल शेडेड एंड शार्प एज पीयोर पॉइंट इन लाइट और उसने एक बड़ी ही शार्प तरह की एक मियन भी ले रखी है ऑन ब्रेस्ट एक स्टॉफर ऑफ सिल्वर शीन और उसने अपनी छाती पे स्ट्रॉफर का एक सिल्वर का एक चमकदार शीन होता है चमक सिल्वर की चमक का एक स्ट्रॉफर पहन रखा है ही बोर्न ए हॉर्न एंड बाल्डरिक ओल ऑफ ग्रीन और उसने अपने एक तलवार पेटी ले रखी है ग्रीन कलर की अ फॉरेस्टर ही ट्रूली वाज आई गैस और उसको देख करके मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो जंगल में रहने वाला एक वनवासी है तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं कम्प्लीट होता है और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम नन प्री है वहाँ से शुरू करेंगे इसकी जो नेक्स्ट लाइन है वहाँ से, से एक्सप्लेनेशन शुरू होगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में टिलन की प्रैक्टिसिंग थैंक यू